नमस्कार दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, मैं आज जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत कारगर उपाय है। इसको जरूर करना चाहिए और घर के हो सके तो हर मेंबर को करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक लोटा जल ही तो चढ़ाना है। ये उपाय शिव पुराण का है और हमारे श्री गुरु प्रदीप शर्मा जी द्वारा बताया गया है। करना ये है कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर, बच्चों को लेकर, या आपके घर में कोई रोगी हो, किसी को बड़ी बीमारी हो, सब ने ये उपाय करके फायदा जरूर उठाना है। करना ये है कि 29 अप्रैल को शिवरात्रि है, उस दिन आपने मंदिर जाना है और वहाँ जाकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर लेके कर जाना है। जल वो होना चाहिए जो आपके घर में कोई मिट्टी का बर्तन, घड़ा हो, चाहे कोई भी मटका हो, छोटी सी सुराही हो, कोई भी मिट्टी के बर्तन का जल आपने तांबे के लोटे में लेकर जाना है और जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर उसको श्री शिवाय नमः स्तुभ्यम का जाप करते हुए आपने शंकर भगवान को अर्पित करना है। और उसके बाद आपने जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है, जो शंकर भगवान जी की लाडली बेटी है, भगवान उनका कहा कभी नहीं टालते, वहाँ जाकर उनको याद करते हुए आपने उनको अपनी मनोकामना बतानी है कि हे माँ, मेरी ये मनोकामना है, आप जरूर इसको पूरी करो। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आपने दिल से इस उपाय को करना है और माँ अशोक सुंदरी जी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। और जहाँ पर वो जल नीचे गिरता है, अगर कोई रोगी है तो थोड़ा सा जल आप वहाँ से ले लें और वहीं खड़े होकर उस जल का आपने आचमन करना है। वो जल नहीं, वो एक बहुत बढ़िया औषधि है जिसको लेने से आपकी सब बीमारी दूर हो जाएगी और मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।